नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच पर अगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राज्य के पांच प्रगना क्षेत्र तमाड़ के देवड़ी मंदिर प्रकरण को लेकर तमाड़ में आदिवासी समाज के द्वारा 11 सितंबर को देवड़ी फुटबॉल मैदान में विभिन्न आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक अगुवाजनों, ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों की एक विशाल बैठक हुई। इस बैठक में पूरे पांच प्रगना क्षेत्र समेत अन्य जगहों से भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। 11 सितंबर को देवड़ी मंदिर परिसर में ही बैठक आयोजित करना था, लेकिन बैठक की सूचना मिलने पर बुंडो एसडीओ कार्यालय के द्वारा जमावड़ा नहीं होने को लेकर निषेधाज्ञा लागू हो गया और देवड़ी मंदिर परिसर में महिला और पुरुष जवानों की तैनाती की गई। बुंडो एसडीओ खुद मौजूद थे। इसको देखते हुए बैठक के नेतृत्वकर्ता जगह को चेंज करते हुए फुटबॉल मैदान में बैठक आयोजित की गई। आदिवासी समाज के द्वारा इस बैठक में देवड़ी मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रशासन की भूमिका पर घोर नाराजगी व्यक्त किया है। वहीं इस बैठक में आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों ने आदिवासियों की धरोहर देवड़ी देरी को बचाने का संकल्प, संवैधानिक लोकतांत्रिक रास्ते लेने का संकल्प लिया। देवड़ी देरी बचाने के लिए देवड़ी देरी जमीन बचाओ अभियान समिति का गठन किया गया। इसके लिए संयोजक मंडल का एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में लक्ष्मी नारायण मुंडा, दुर्गावती ओड़ैया, सुरेश सोय, माणिक सरदार, रविंद्र सरदार, बसंत मुंडा, पंचानन मुंडा, सिद्धाम सिंह मुंडा, रामकमल मुंडा, सत्यनारायण मुंडा, रामभजन मुंडा, दिनकर कच्छप, किरण मुंडा, बाला सांगा आदि को रखा गया है। 29 सितंबर 2024 को एक आदिवासी जन आक्रोश महारैली की घोषणा की गई। ये कार्यक्रम टोडांग मैदान तमाड़ में आयोजित किया जाएगा। विधायक सांसदों का पुतला दहन कार्यक्रम भी होगा। देवड़ी देरी प्रकरण में जो मुकदमा प्रशासन ने दर्ज कराया है और जो गिरफ्तारी हुई है, इसके लिए जो कानूनी लड़ाई और आंदोलन चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण मुंडा, पूर्व विधायक देव कुमार धान, धर्म अगुआ बंधन तिग्गा, प्रेम शाही मुंडा, दुर्गावती ओड़ैया, माणिक सरदार, कृष्ण सिंह मुंडा, बसंत मुंडा, सत्यनारायण मुंडा, पंचानन मुंडा, राम भजन मुंडा, कुंद्रसी मुंडा, जगदीश पाहन सहित सभी ने बैठक को संबोधित किया। आदिवासी है कि वनवासी है? आदिवासी है कि वनवासी है? आप आ गया उलगुलान करने का, उलगुलान करेंगे क्या करेंगे? डबल बेच गया पहले, उसमें डबल बेच गया, डबल बेच फैसला नहीं किया, डबल बेच भेज दिया डीसी को। सुनिए बता, खेल कहाँ? मैंने यहाँ भी विधायक भी भकलोल है बता रहे हैं, तो इसलिए क्या है? विधायक भकलोल है बता रहे हैं, क्यों भकलोल बता रहे हैं? ये बता रहे क्यों, क्यों? सुन लीजिए, जो चिट्ठी जो ऑर्डर है डीसी का, उसमें लास्ट लाइन में लिखा है ऊपर वर्णित जो मामला है उसे, उसको मैं संधारण करने के पक्ष में मेरा प्रतिक्रिया नहीं होता, सीधा लिखा है, देखा अभी ऑर्डर है। मैंने जो जो मामला है वो मेरे दायरे का चीजें नहीं है, इसलिए मुंडा लोग जो हमको केस दिया है तो केस को हम अस्वीकृत करेंगे, समझे? तो हार जीत का मामला नहीं है, जीत एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ एक्सेप्ट नहीं करते, उसका सचम बाहर है। वो जब जहाँ टाइटल का मामला, टाइटल का जो मामला आपको सुन लीजिए, टाइटल का मामला डीसी हल करने नहीं पा सकता है ना, आज भी टाइटल मामला है ना, तो डीसी लिखेगा नहीं लिखेगा बताइए। वहाँ हमको मांगेगा 5-10-20 लाख रुपए नहीं है, नहीं लिखेंगे बोले है ना, तो भाई मेरा क्षमता के बाहर है, चीजों को समझिए, तो डीसी के क्षमता के बाहर ही मामला है ये। टाइटल रिजल्ट का मामला जुडिशियर तय करता है, नॉट एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं तय करता। और सुन लीजिए, कोई भी डीसी बता रहे गांव घर मुखिया इनमें चेत जाइए, बहुत जल्दी गलत सलत बंगशाली बना से आपको बता रहा है, टाइटल डिसाइड का मामला हो जाता है, फंस जाइए बता रहा। मेरा कहना है कि अब ये पूरे मामला को ध्यान में रखिए, अब काटे जिस संदर्भ में हम बात समझते हैं, बहुत लंबा लंबा भाषण देने से भी नहीं चलेगा, बहुत कानून है बता रहे, इस देश में बहुत कानून हो सकता है आदिवासी का, लेकिन सब कानून जानते हैं ना, आलमारी का ट्रैक खड़ा हुआ है, पास की सब कानून आलमारी में, एक ट्रैक्टर आलमारी कितना हम लोग करेंगे? मामला क्या है, क्या अब हम इसमें गेट कर क्या सकते हैं? यहाँ का विधायक बोल रहा है कि डीसी कोर्ट से हार गया, हाई कोर्ट से हार गया, वो भकलोल को पता नहीं है, न उसको सीएम चेक पता है, न ट्रस्ट चेक पता है, न खुटकटी जमीन का पता है, पर ये बाह्य न पांचवी अनुसूची पता है कौन टाइप का विधायक है। सिंपल सा बात है, कोई भी ट्रस्ट संबंधित ग्राम में बनेगा वहां से कोई विश्वास नहीं लेगा, ग्राम सभा का सहमति नहीं लेगा। हम लोग को जमीन बचाना है और अपना भगवान, चूंकि हम लोग का भगवान संस्कृत नहीं जानता, मुंडारी जानता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे पढ़ा रहता था, गज गजो गजा बहुत मजा,
अरे दादा हम लोग का देवता तो मुंडा जानता है, कुड़ुक देवता कुड़ुक जानता है, गज गज गजा मजा ये सब क्या है। तो हम लोग तो कभी मुंडारी पढ़ाओ नहीं बोले, कुड़ुक पढ़ाओ नहीं बोले, मजे से गज गज गजा मजा सब मजा लेते रहे, ये तो होना ही है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, आंदोलन, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हम लोगों के पास। और दूसरा जो जो लोग जेल गया है, हम तो यही सलाह देंगे कि उसको हेमंत सोरेन बेल करा के ला दे, बस बस मुंडा बेल करा के ला दे, कालीचरण मुंडा बेल करा के ला दे। और जो व्यक्ति जेल गया है, अभी हम दुर्गापुर में थे कार्यक्रम में, वहां से हम उड़ीसा गए, उड़ीसा से पता चला कि अरेस्ट हो गया है, हम तुरंत वहां से फोन किए, खुद हम फोन किए, नंबर खोजे वहां का आदमी को बताओ, और हम बोले कभी तुम लोग रोड जाम के लिए निकलो, गांव गांव में खबर करो, संगठन है ही नहीं, हम बोले रोड जाम करो, हम रांची का जितना समिति है हम फोन कर रहे हैं, और ये लोग डरा हुआ था, रोड जाम हुआ नहीं, हम बोला अरे 20 आदमी में ना एफ आई आर हुआ है, 100 आदमी अनोन हुआ है, जो सकते हो तुम लोग एकदम कहीं मत जाओ, रोड पर उतरो, बोलो कि हम लोग पूरा गांव में मैंने जेल भरेंगे, लेकिन लोग हिम्मत नहीं किया। चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन सांसद तो 5 है, 14 में से 5, 81 में से 26 विधायक हमारा है, 28 विधायक हमारा है। अरे भैया यदि आप ऐसा ही चुपचाप रहेंगे तो बाहर से लोग आएंगे, परिसीमन होगा, अनुसूचित क्षेत्र घटेगा, विधानसभा घटेगी, लोकसभा घटेगी, तो आने वाले समय विधि कौन बनाएगा, कौन बनाएगा कानून आपके लिए, आपको ये समझना हो। तो ये जितने जो विधायक हैं और मंत्री हैं आपके लिए काम नहीं करने का पीछे एक है, आपको समझना होगा। 78 साल हो गया आजादी का, संविधान लागू होने का 75 साल हो गया, आपको समझना होगा। हमारा कानून दीपू बनाएगा आज के डेट में, दीपू बना रहा है। ये विधायक और सांसद इसीलिए नहीं काम करता है क्योंकि उसको वोट बैंक जहां से मिलेगा, जिस समुदाय से मिलेगा, उसी के लिए वो काम करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीब हो। तो चलो हाथ उठा बताइए, तो दिवड़ी दिरी जमीन बचाओ अभियान समिति बनेगा, बिल्कुल एक बार फिर जोर लगाइए। तो हम लोग इसी तमाम इलाके में जगह चयन हो जाएगा, एक आदिवासी जनाक्रोश महारैली का आयोजन होगा। दूसरा बात बता रहा है, हर जगह अगर इसके जिम्मेवार आदिवासी नेताओं का पुतला धन होगा, समझे ना, सहमत है क्या? हर जगह तमाम में भी, तमाम में विधायक का भी होना चाहिए तो सांसद का भी होना चाहिए, बता रहा है ना, मुख्यमंत्री का भी।